नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता यादव। कविता बोल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता बहुत नहीं सिर्फ चार कौवे थे काले। आइए सुनते हैं। बहुत नहीं सिर्फ चार कौवे थे काले, उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाएं और गाएं। वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं अवगुणिया में। ये अवगुणिये चार बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। हंस, मोर, चातक, गौरैये किस गिनती में, हाथ बांधकर खड़े हो गए सब विनती में। हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाए, पियो पियो को छोड़े कौवे कौवे गाए। 20 तरह के काम दे दिए गौरैयों को, खाना पीना मौज उड़ाना छुट भइयों को। कौवों की ऐसी बन आई पांचों घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। आगे क्या कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है, यह दिन कवि का नहीं चार कौवों का दिन है। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना, लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना। धन्यवाद। Thank you.